खुशरानी किचन एंड फैन गैलरी केवल राम चौराहे पर स्थित है, जहां पर आपको सभी प्रकार के पंखे, चिमनी सहित गैस चूल्हा और किचन से संबंधित पूरी रेंज मिल जाएगी। एक बार आप विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के खालवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गुलाईमाल में मंत्री कुंवर विजय शाह ने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। इस उपकेंद्र की क्षमता 5 MVA है तथा लागत 382.92 लाख रुपए। इस दौरान वन मंत्री शाह ने कहा कि ग्राम झिरपा से दावनिया के बीच में 17 करोड़ रुपए लागत से डामरीकरण का रोड स्वीकृत हो गया है। आगामी महीने में इसका कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खालवा क्षेत्र में विकास के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वादे अक्सर टूट जाते हैं लेकिन कोशिश हमेशा कामयाब होती है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार हर संभव मदद कर रही है, इसके साथ ही साथ आदिवासी व गरीब परिवारों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की फीस सरकार दे रही है, जिससे गरीब आदिवासी परिवारों के बच्चों का भी सपना पूरा हो सके। ग्राम डेमारिया निवासी सुनील पिता शोभाराम इसके का भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए प्रवेश मिल गया है। इसके लिए वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने सुनील को कपड़े, जूते एवं पुस्तकें खरीदने के लिए 40,000 रुपये देने की बात मौके पर कही। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 26 जनवरी तक यह उपकेंद्र बनकर तैयार करें, जिसका लोकार्पण खंडवा मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर शीतल मस्कोले एवं सुनील इसके द्वारा किया जाएगा। बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने भी संबोधित करते हुए कहा कि इस उपकेंद्र के बन जाने से ग्राम गुलाई के 21 गाँव के 5218 परिवारों को सिंचाई और 24 घंटे उपयोग हेतु बिजली मिलेगी तथा सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी में एकता का भाव होना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति को बचा सकेंगे। विद्युत विभाग के अधिकारी संजय जैन ने बताया कि इस विद्युत उपकेंद्र के बन जाने से लगभग 21 गांवों को लाभ मिलेगा, साथ ही वोल्टेज की समस्या भी दूर होगी। उन्होंने बताया कि इस उपकेंद्र के बन जाने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधा मिलेगी, जिससे किसान भाइयों को 2-3 फसल के लिए पानी मिल सकेगा। इस दौरान बांस कला केंद्र की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर बैतूल सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व महापौर भावना शाह, SDM हरसूद दिलीप कुमार, वन मंडलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम के पूर्व वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने ग्राम गुलाई में स्थापित बांस शिल्प क्लस्टर के सामान्य सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम के अंत में बांस कला केंद्र द्वारा बनाई गई फोटो वन मंत्री डॉक्टर श्री शाह एवं सांसद श्री उइके को भेंट भी की गई। फ्री में खिला रहे, 5 किलो फ्री मिल रहा है, 5 किलो 1 किलो मिलता था। वो पूछो जो कांग्रेस के भाई मेरा विरोध करते हैं, वो कहां चले गए उस दिन जब कांग्रेस के राज में वो लाल गेहूं खिलाते थे? लाल गेहूं भूल गए क्या? 4 रुपए किलो, 8 रुपए किलो लाल गेहूं आता था राशन की दुकान पर। अरे आदमी छोड़ो, अगर जानवर खा ले तो फूकना लग गया। अब फूकना सब कोई गलत नहीं, लेकिन डर तो लग जाते थे, और इसलिए आदमी नहीं उनको बताएंगे फूकना क्या होता। अभी भाजपा की सरकार आ गई, फूकना उनको लग गया। अरे राजनीति हमारा व्यापार व्यवसाय नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम है। ये कांग्रेसी लोग यही करते आए, कभी तुम्हारी चिंता नहीं करी? कभी किसी कांग्रेसी ने सोचा कि गरीब का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन पाता? जब एग्जाम देता है डॉक्टर की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है और अंग्रेजी में हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, आदिवासी के बच्चे। गरीब का बच्चा अंग्रेजी कब पढ़ेगा, कब डॉक्टर बनेगा? वो डॉक्टर नहीं बनेगा तो इलाज कैसे होगा? जरा पूछो उन कांग्रेसी भाइयों से। लेकिन आपके भाई ने, आपके नेता ने, आपकी सरकार ने, ये भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हमारे आदिवासी बनवासी के बंदों को, बच्चों को, सांसद जी हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हम पहली क्लास से अंग्रेजी में पढ़ाएंगे।